वंदे मातरम मित्रों, पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपका शुभचिंतक हरकेश चौहान, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऊर्जा थेरेपी तथा ऊर्जा थेरेपी टू के अंतर्गत। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो लेप का हम वीडियो बना रहे हैं श्रृंखला, उसका अंतिम भाग है। इसमें आपको एक चित्रक नाम का पौधा होता है, चित्रक, चित्रक का पंचांग लेना है, जड़ तना फूल पेड़ पत्ते सब कुछ जो मिल जाए आपको सब कुछ ले लीजिए। आपने उसको पाउडर कर लेना है, साथ में कुछ आपको अन्य चीज़ लेनी है, या तो जौ का आटा या ज्वार का आटा या बाजरे का आटा या गेहूं का आटा या उड़द का आटा, इनमें से कोई भी मिल जाए सबसे ज़्यादा फायदा करेगा इसमें आपको। अगर घुटने में दिक्कत है तो उड़द का लीजिए, कमर में है तो उड़द का लीजिए, गर्दन में है तो उड़द का आटा मिक्स करो, अन्यथा बाकी किसी और चीज़ का भी ले सकते हैं जो हमने आपको बताया। मान के चलो 100 ग्राम आपने पाउडर लिया चित्रक पंचांग, और 200 ग्राम ले लीजिए इनमें से कोई भी उड़द, जो ज्वार, गेहूं, बाजरा, जो आपको आसान लगे, और साथ में आप मिक्स कर लेंगे इनको। करने के बाद आपने या तो तिल के तेल में या फिर आप नीम के तेल में एक हलवा सा बनाएंगे आप, और वहाँ पे लेप कीजिए। आपको देखना चमत्कारिक लाभ मिलेगा। लेप करके छोड़ दीजिए और उसको आधा एक घंटा या पूरी रात भी रख सकते हैं, बाद में हल्का हल्का मसाज करते हुए उतार देंगे। जब लेप करते हैं ऊपर से आप कोई भी पॉली पेपर, पोलोथीन टाइप में प्लास्टिक पेपर लगा के ऊपर से गर्म पट्टी या कोई भी बेडशीट बांध सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। स्लिप डिस्क को ठीक करेगा, घुटने दर्द को ठीक करेगा, सर्वाइकल पे काम करेगा, शोल्डर पे काम करेगा, एल्बो पे काम करेगा, सीआईटिका में काम करेगा, आपके अर्थराइटिस में काम करेगा, सब में जब चमत्कारिक लाभ देगा। तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप तेल ना मिलाना चाहें तो खाली जैसे हम चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए पानी डाल के गोंदते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, तो भी आपको लाभ उतना ही मिलेगा। बस फर्क है, तेल के द्वारा आपको लाभ 20 दिन में मिल रहा है, तो ये आपको 25 दिन लगाएगा, ठीक है जी। अगर आप लेप ना करना चाहें तो आप चित्रक की जड़ ले लीजिए, बिल्कुल साफ कर लीजिए धो के। अब मान के चलो मेरे हाथ में दर्द है यहाँ पर, तो हम इसको चित्रक की जड़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसको बांध दो, ऊपर से कोई गर्म पट्टी या कुछ बांध दीजिए, ये यहाँ पे बांध दीजिए, हम इसको चित्रक की जड़ समझ लेते हैं, बांध दीजिए और पूरी रात लगा रहने दो। ये जड़ को लगने से भी दर्द खींच लेगी। कमर में दर्द आ रहा है तो कमर में सीधा सीधा इसे चिपका दीजिए, जैसे मान के चलो ये कमर है तो कमर के दर्द को भी खींच लेगा। साथ में आपको उसको कॉरस्पोंडेंस में, जैसे यहाँ पे कमर आती है, यहाँ पे हम चित्रक की जड़ का छोटा सा टुकड़ा काट के लंबाई में लगा देंगे। गर्दन में दर्द आ रही है तो यहाँ पे आप लगा देंगे पूरा इस तरह से, और वहाँ तो लगाना ही लगाना है, आप यहाँ पे भी लगाइए, मतलब एक साथ आपको डबल फायदा मिलेगा। ऐसी पैरों में हमारे पॉइंट होते हैं, वहाँ पे कमर वाले पॉइंट पे लगाएंगे, घुटने वाले पे घुटने के पॉइंट पे लगाएंगे, तो ये कॉरस्पोंडेंस पे भी काम करेगा, और साथ में क्लासिकल मतलब जहाँ दर्द है वहाँ तो कीजिए, लेकिन साथ में जो हमारे हाथ पैरों में जो हाथ घुटना कमर जो पॉइंट बने हुए उनके ऊपर भी आप अप्लाई करेंगे, तो चित्रक आपकी बीमारी को पूर्णतः स्वस्थ करने में लाभ मिलेगी। ध्यान रखना अकेला चित्रक का जो पाउडर है वो बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि बहुत गर्म होता है, आपके स्किन के ऊपर जख्म कर सकता है, इतनी गलती ना करें। इसलिए उसके साथ मिक्स करके करोगे तो कितना भी खतरनाक स्लिप डिस्क हो ठीक हो जाएगा, सर्वाइकल हो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर की तरफ से घुटना रिप्लेसमेंट बोल रखा है वो भी ठीक हो जाएगा, सीआईटिका का पेन है वो भी ठीक हो जाएगा, आपका घुटने के साथ साथ आपके कमर के लिए, गर्दन के लिए सब में काम करेगा। इसमें कॉरस्पोंडेंस पे जरूर लगाएं और लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।